नमस्कार बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है कि सी लैंग्वेज को अपन है ना शुरू करने जा रहे हैं कि सी लैंग्वेज में कोडिंग कैसे करें। तो सी लैंग्वेज को अपन आज से स्टार्टिंग करेंगे, तो डेली आपके रेगुलर ये वीडियो आते रहेंगे। तो सी लैंग्वेज को सीखने से पहले अपन को इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक कंसेप्ट सीखना होगा। अपन को भी जैसे ह्यूमन लैंग्वेज को सीखते हैं, तो आपने कैसे सीखा? जैसे अपन बिगिनर्स में है ना, नर्सरी में, प्ले ग्रुप में, फिर फर्स्ट में, सेकंड में, तो अपन को लैंग्वेज सिखाते हैं, तो लैंग्वेज सिखाने का क्या लर्निंग प्रोसेस था? इंग्लिश की स्टार्टिंग आपने कैसे करते हो? हिंदी लैंग्वेज को आपने कैसे सीखा? तो एक जो ह्यूमन बेस्ड जो लैंग्वेज है, आपस में जैसे अपन कम्युनिकेट करें तो लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, तो लैंग्वेज अपन कैसे सीखते हैं? तो एक लैंग्वेज को, इंग्लिश को कैसे सीखा, हिंदी को कैसे सीखा, फिर उसका कंपैरिजन अपन सी लैंग्वेज को कैसे सीखें। सी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेज है। तो दोनों में अपन कंपैरिजन करते हुए थोड़ा सा माइंड को इस तरह से देखेंगे कि इंग्लिश का क्या कंसेप्ट था, लर्निंग प्रोसेस है ना, लर्निंग स्टेप्स, और अपना सी लैंग्वेज का लर्निंग स्टेप्स क्या है, एक दूसरे में कितनी सिमिलरिटी है। क्योंकि जितनी भी कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। तो अपन को है ना पहले पूरा बेस इंग्लिश का देखो कि इंग्लिश की स्टार्टिंग अपन ने कैसे की थी। एक लैंग्वेज को सीखने में अपन को कितना टाइम लगता है? जैसे मैं तुमसे कहूँ कि एक नई लैंग्वेज सीखो, तो नई लैंग्वेज सीखने के लिए अल्फ़ाबेट से शुरू करते हुए उसके सेंटेंस स्टेटमेंट बनाना, फिर स्टेटमेंट से पैराग्राफ बनाना, फिर लेसन बनाना, तो ऐसे सोचो कितना टाइम लगता होगा। तो अगर आप रेगुलर भी डेली 1 या 2 आवर्स लेके चलते हो, तो ये मान के चलो 1.5 से 2 महीने तो कम से कम एक लैंग्वेज को सीखने में चाहिए। तो अपन सी लैंग्वेज की, कंप्यूटर की है ना, सी लैंग्वेज को सीखना आज से शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सी लैंग्वेज को सीखने से पहले थोड़ा सा इंग्लिश का आप कंसेप्ट देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक कंसेप्ट क्या था। अब देखो स्टेप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, कि ऐसे सोचो कि आप एकदम फ्रेश लैंग्वेज सीख रहे हो। ऐसे सोचो कि मेरे को लैंग्वेज की अभी कुछ भी स्टार्टिंग नहीं आती, जैसे मेरी लैंग्वेज की फ़र्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में कहाँ से शुरू करूँ? तो ऐसे सोचो इंग्लिश अपन ने सीखी, तो इंग्लिश को जब अपन प्ले ग्रुप में गए थे तो अल्फ़ाबेट्स सिखाना शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है कि आपको 2 या 3 दिन 10 दिन तक लग जाते हैं पूरे सीखने में। तो अल्फ़ाबेट्स जैसे अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, यानी कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट सीखने के बाद में फिर अपन क्या सीखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स मान लो A to Z सीख गए, स्मॉल A to Z सीख गए, तो अल्फ़ाबेट के बाद में अपन है ना फिर अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनाना सीखते हैं। जितने भी एनवायरनमेंट में जितने भी आइटम्स है, थिंग्स है, सबके एक नोमिनिक्लेचर होता है, तो अपन को एनवायरनमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके नाम याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये फ़ैन है, ये टेबल है ना, ये आपका TV हो गया है ना, ऐसे कंप्यूटर हो गया, ऐसे आपका और भी कई सारे आइटम्स हो सकते हैं, ये जैसे पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया है ना, बुक हो गया। तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट का एक इंग्लिश वर्ड होता है जिसको जनरल अपन वोकैबुलरी कह सकते हैं। अगर वोकैबुलरी आएगी तो फिर आगे अपन स्टेटमेंट सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे, फिर सेंटेंस को प्रॉपर कैसे बनाओगे, तो फिर अपन को वोकैबुलरी के अलावा दूसरे ग्रामेटिकल वर्ड पे आना होगा। तो वर्ड में आपके ग्रामेटिकल वर्ड अलग हो गए, वोकैबुलरी अलग हो गई, फिर एक किससे बनेंगे, कैरेक्टर सेट से। तो कैरेक्टर सेट से वर्ड्स का, वर्ड्स को कंबाइन करेंगे, वर्ड्स बनाएंगे, फिर वर्ड्स से क्या बनेगा कि ग्रामेटिकल वर्ड और जनरल वोकैबुलरी, वो मिलके आपके सेंटेंस बनेंगे। फिर सेंटेंस अगर आप सीख गए बनाना, जिसमें ग्रामर को यूज करते हुए प्रॉपर सेंटेंस बना लिए, फिर सेंटेंस भी कई कैटेगरी के हो गए, फिर सेंटेंस में पूरा अपन को नॉलेज हो गया, फिर अपन पैराग्राफ लिखना सीखते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स जिसमें कोई मल्टीपल सेंटेंस हो गए है ना, फिर पैराग्राफ से फिर अपन एक लेसन बनाना सीख जाएंगे, पूरा लेसन को कंपोज कर लो, फिर लेसन्स बनाना आ गया तो फिर एक बड़ी बुक लिखना सीख जाओगे। तो ये कि यही स्टेप्स सी लैंग्वेज में चलेगी। तो इंग्लिश का लर्निंग प्रोसेस देखते हैं अपन, इंग्लिश स्टेप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इन ह्यूमन लाइफ वी लर्न मैनी लैंग्वेजेज, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, एक्सेट्रा, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपस में कोई भी अपन कम्युनिकेट करेंगे तो अपन को है ना ये
इंग्लिश या हिंदी और भी अदर लैंग्वेज अपन सीख सकते हैं। द फर्स्ट मेथड ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज द अल्फ़ाबेट। ये सबसे पहला स्टेप्स होती है, कोई भी लैंग्वेज सीखो तो सबसे पहले आपका माइंड अल्फ़ाबेट्स पे आना चाहिए। अल्फ़ाबेट्स ही नहीं आएंगे तो फिर वर्ड्स बनाना नहीं आएगा। तो अल्फ़ाबेट सबसे फर्स्ट स्टेप्स होती है लैंग्वेज की। फिर आफ्टर दैट वी लर्न कम्बाइन दीज अल्फ़ाबेट, कि अल्फ़ाबेट को पूरा कम्बाइन करके वर्ड्स बनाते हैं। तो वर्ड्स में आपके ग्रामेटिकल वर्ड है, जनरल वोकेबलरी हो गई, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है सबको सीखो, फिर आप सेंटेंस बनाना सीखो, फिर वर्ड्स इन टर्न आर कम्बाइंड इनटू सेंटेंस, सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, फिर सेंटेंसेस से क्या बनेगा, सेंटेंसेस आर कम्बाइंड इन पैराग्राफ, पैराग्राफ से फिर क्या बनेगा, पैराग्राफ्स कम्बाइंड इन लेसन, टेक्स्ट कह दो लेसन कह दो, फिर लेसन्स कम्बाइन इन बुक। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, कोई भी लैंग्वेज सीखो तो कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो ये लैंग्वेज का बेसिक लर्निंग प्रोसेस है। ये स्टेप्स माइंड में रहनी चाहिए। फिर अपन आगे देखें, अब अपन है ना इंग्लिश लैंग्वेज का और सी लैंग्वेज का बेसिक कंपैरिजन करेंगे। ये ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेज को लेकर चल रहे थे, अब सी लैंग्वेज इज सिमिलरली लर्निंग लाइक एनी ह्यूमन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश हिंदी एसेट्रा। जैसे ह्यूमन लैंग्वेज का पूरा लर्निंग जो प्रोसेस है तो सी लैंग्वेज का भी सिमिलर इन लैंग्वेज के जैसा ही प्रोसेस होगा। सी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी ह्यूमन की लैंग्वेज है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही, बाकी टर्मिनोलॉजी स्टेप्स पूरी इंग्लिश के जैसे चलेगी। तो माइंड में ये फिक्स कर लो इंग्लिश को सीखने का क्या प्रोसेस था और सी लैंग्वेज कैसे सीखे। तो स्टेप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इधर अपन ने ले लिया स्टेप्स ऑफ लर्निंग सी लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में तुम ना स्टार्टिंग करते हो अल्फ़ाबेट्स, सबको आते हैं, हर स्टूडेंट को अल्फ़ाबेट्स आता है, छोटी ए बी सी डी, बड़ी ए बी सी डी है ना, छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स सब जानते हैं है ना। और इधर करेक्टर सेट, इंग्लिश में अपन अल्फ़ाबेट कह दो और सी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट की जगह एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई, करेक्टर सेट। तो सी लैंग्वेज में जैसे अल्फ़ाबेट ए टू जेड अपर केस, स्मॉल ए टू जेड लोअर केस, तो ऐसे कैसे यहाँ पे करेक्टर सेट अल्फ़ाबेट की जगह यहाँ करेक्टर सेट बोलेंगे, यानी कि सी लैंग्वेज की ए बी सी डी। तो करेक्टर सेट सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग है, इंग्लिश में अपन अल्फ़ाबेट कहेंगे, यहाँ करेक्टर सेट कहेंगे, नॉमिनिक्लेचर चेंज हो रहा है तो ऐसे कन्फ्यूजन का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। इधर अल्फ़ाबेट का हो, इधर करेक्टर सेट का हो, इधर ए टू जेड है उधर भी ए टू जेड आएगा, इधर स्मॉल ए बी सी डी है इस लोअर केस लेटर है उधर भी लोअर केस लेटर आएंगे। कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा करेक्टर सेट और भी आ जाए, कीबोर्ड पे बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं तो कीबोर्ड पे जितने भी करेक्टर्स हैं वो सब इंडिविजुअल कोई भी लेटर्स डिजिट्स है ना, कोई भी आपका सिंबल्स, तो स्पेशल करेक्टर ये सब करेक्टर सेट में आ जाएंगे। फिर अपन अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनाते हैं, कि अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बन गया, जैसे जे ए आई पी यू आर जयपुर एक वर्ड हो गया है ना, टेबल टी ए बी एल ई एक वर्ड हो गया, पी ई एन पेन एक वर्ड हो गया, ऐसे ही इज एम आर ये ग्रामेटिकल वर्ड हो गए है ना, ऐसे ही टू है ना, इन है, इन टू है, ये भी आपके ग्रामेटिकल वर्ड हो गए। तो वर्ड्स अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनेंगे और ऐसे इन करेक्टर सेट से टोकन्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे वोकेबुलरी हो गई और ग्रामेटिकल वर्ड हो गए, तो इन करेक्टर सेट से यहाँ वर्ड्स सी इंग्लिश में तो अपन वर्ड्स कह देते हैं और यहाँ पे टोकन्स कह देते हैं, अंतर यही है कि यहाँ वर्ड समझो उधर टोकन समझो, सी टोकन्स। तो सी टोकन्स में करेक्टर सेट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स जनरेट होंगे, जनरल आइडेंटिफायर अलग होंगे, कीवर्ड अलग होंगे, ऑपरेटर्स अलग होंगे, कॉन्स्टेंट अलग होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये यूनिट्स बनेगी, जो इंडिविजुअल वर्ड्स है, पंक्चुएशन मार्क्स है, ये सब टोकन्स कहलाएंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाएगी आगे जाके टोकन्स। तो टोकन्स किससे कंपोज होंगे, करेक्टर सेट से, तो करेक्टर सेट के कॉम्बिनेशन से टोकन्स कहलाएंगे। और इंग्लिश में अपन अल्फ़ाबेट के बाद में वर्ड्स ले लेते हैं, सी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट को करेक्टर सेट बोल दिया और करेक्टर सेट को कंबाइन करके टोकन्स बना दिए। तो यहाँ पे सिक्स टाइप्स के टोकन्स अपन पढ़ेंगे। फिर देखो वर्ड्स सीख गए,
फिर वर्ड्स के बाद में अपन को क्या आना चाहिए, सेंटेंसेज। तो सेंटेंसेज मतलब वाक्य। तो सेंटेंसेज को वहाँ क्या नोमिनिक्लेचर देंगे सी लैंग्वेज में, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस कह दो, स्टेटमेंट कह दो, तो प्रोग्राम क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होगा, स्टेटमेंट का कलेक्शन होगा। तो यहाँ सेंटेंस वर्ड से बनेगा या इंस्ट्रक्शंस टोकन से बनेंगे। टोकन्स क्या है, सी के वर्ड है, और वर्ड के कॉम्बिनेशन से स्टेटमेंट बनेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखा जाएगा। अर्थमेटिक है, कोई भी आपका इनपुट आउटपुट असाइनमेंट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस है ना, टोकन्स से कंबाइंड होके कंपोज होके करके बनाएंगे अपन। फिर सेंटेंस आ गया अपन को, तो यहाँ अपन इंग्लिश में पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के सिमिलर सी लैंग्वेज में क्या टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, फंक्शंस। कोई स्मॉल टास्क, छोटी छोटी टास्क होगी, ईच टास्क का एक नाम दे देंगे, तो वो फंक्शंस कहलाएगा। यहाँ पैराग्राफ बोल देते हैं, कई सारे पैराग्राफ से लेसन बनता है। तो प्रोग्राम बनेगा, फंक्शंस का कलेक्शन होगा, प्रोसीजर का कलेक्शन होगा। प्रोसीजर फंक्शंस क्या है, एक्टिविटीज है। कोई भी टास्क है, टास्क को मतलब कोई भी सॉल्यूशन करेंगे तो अपन एक्टिविटीज लिखेंगे, वो आपका प्रोसीजर कहलाएगा। प्रोसीजर को मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं, है ना। तो फंक्शंस कह दो, प्रोसीजर कह दो, मॉड्यूल कह दो, तो ये सिमिलर पैराग्राफ के सिमिलर हो जाएंगे। याद होना चाहिए कि इधर अपन पैराग्राफ सी लैंग्वेज में पैराग्राफ को फंक्शन समझ सकते हो, प्रोसीजर समझ सकते हो, और मॉड्यूल समझ सकते हो। फिर अपन लेसन्स, लेसन पूरा एक कंप्लीट एक लेसन हो गया, तो कई सारे पैराग्राफ, 3 पेज 4 पेज 10 पेज, जिसमें मल्टीपल पैराग्राफ आ जाएंगे। फिर फंक्शन से सब प्रोसीजर को कंबाइंड करके एक प्रोग्राम बन जाएगा। तो प्रोग्राम को अपन डिवाइडेशन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो छोटे छोटे पार्ट्स को, ईच पार्ट्स को इंडिपेंडेंट राइट करते हैं, तो वो फंक्शंस कहलाएगा या प्रोसीजर कहलाएगा। फंक्शंस और प्रोसीजर के कॉम्बिनेशन से प्रोग्राम बन जाएगा। तो प्रोग्राम जैसे यहाँ लेसन्स कहेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम कहेंगे। फिर आपका पूरा लेसन से बुक्स डिजाइन हो जाती है, तो प्रोग्रामों का कलेक्शन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो ये सी लैंग्वेज में कोई भी काम करोगे तो इंग्लिश को जैसे सीखा था सिमिलर, वैसे कि वैसे स्टेप्स अपन फॉलो करेंगे। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, इधर अल्फ़ाबेट सी लैंग्वेज में करेक्टर सेट, इधर अल्फ़ाबेट ए बी सी डी से शुरू करते हैं, सी लैंग्वेज को सीखने के लिए करेक्टर सेट से शुरू करते हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड का हो इजी वे में आप सीख सकते हो। फिर अपन है ना इधर वर्ड्स बनाना सीखते हैं, इधर टोकन्स कहलाएंगे, इंडिविजुअल वर्ड्स होंगे, जिसमें जनरल एनवायरनमेंट में जितने भी डेटा के नाम्स रखोगे तो आइडेंटिफायर, पहचान करने वाले वर्ड्स, और वर्ड्स कैसे समझेगा, तो ग्रामेटिकल वर्ड, तो कीवर्ड आ जाएंगे, आइडेंटिफायर आ जाएंगे, कॉन्स्टेंट डेटा आ जाएगा, ऑपरेटर्स आ जाएगा, स्ट्रिंग्स आ जाएगी, पंक्चुएशंस के सिंबल्स आ जाएंगे, तो ये सब टोकन्स कहलाएंगे। टोकन से इंस्ट्रक्शंस लिखा जाएगा, स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्सप्रेशन बनेगा टोकन से पूरा। फिर इंस्ट्रक्शन से, इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट, कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क हो गई उसको पूरा डिफाइन कर दिया, तो फंक्शंस कहलाएगा, प्रोसीजर कहलाएगा, है ना, या कोई एक्टिविटीज मॉड्यूल्स कह सकते हो। फिर फंक्शन से प्रोग्राम, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ फंक्शंस, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह दो, इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट ऑफ सी टोकन्स, सी टोकन कंसिस्ट ऑफ करेक्टर सेट। तो बिगिनिंग से करेक्टर सेट से सीखते हुए टोकन्स पे आना होगा, टोकन से फिर इंस्ट्रक्शंस, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, ये अपन लिखना सीखेंगे। फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शंस का पूरे कॉम्बिनेशन से फंक्शंस बनेगा, फंक्शंस को प्रोसीजर भी कह सकते हैं। फिर फंक्शंस और फंक्शंस का पूरा कलेक्शन प्रोग्राम्स हो जाएगा, प्रोग्राम्स का पूरा कलेक्शन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर अपने आप में कोई एप्लीकेशंस हो गई। तो आपको ये पूरा लर्निंग प्रोसेस दोनों का कंपैरिजन आना चाहिए, इंग्लिश में कैसे टर्मिनोलॉजी चलती है, ना सी लैंग्वेज में कैसे टर्मिनोलॉजी चलेगी, तो इस बेस को लेते हुए सी लैंग्वेज की स्टार्टिंग करेंगे अपन। अब थोड़ा सा अपन है ना इसको थोड़ा डिटेल में ले ले कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहेंगे, अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनेगा, वर्ड से सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस से पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ से लेसन बनेगा, और ये बुक्स बनेगी। अब सी लैंग्वेज में ये टर्मिनोलॉजी कैसे चलेगी, तो थोड़ा सा है ना ब्रीफ में देख लो। तो देखो अल्फ़ाबेट में जैसे ए से लेके जेड सबको आता है ना, इस तरह से
ए से लेके जेड हो गया और स्मॉल ए से लेके है ना ये जेड हो गया, ये तो हो गया आपका कैपिटल लेटर, ये तो अपन कैपिटल बोल देंगे इसको, कैपिटल लेटर। और ये आपका है ना स्मॉल लेटर हो जाएंगे, ये स्मॉल लेटर हो जाएंगे, स्मॉल लेटर। और सी लैंग्वेज में यहाँ पे करेक्टर सेट नाम दे देंगे, या करेक्टर सेट नाम दे देंगे अपन, करेक्टर सेट। अब करेक्टर सेट में देखोगे तो आप तो सिंपल सा सोच लो कि अपना जो कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो गए है ना, स्मॉल अल्फ़ाबेट हो गए, स्पेशल कीज हो गई, सिंबल्स हो गए, न्यूमेरिक डिजिट्स हो गए। तो अल्फ़ाबेट्स में करेक्टर सेट में एक तो अल्फ़ाबेट आ जाएगा, अल्फ़ाबेट, है ना। दूसरा आपका आ जाएगा डिजिट्स आ जाएंगे, डिजिट को हिंदी में बोल देते हैं अंक। फिर तीसरा आपका सिंबल्स आ जाएगा, सिंबल्स। फिर चौथा आपका है ना वाइट स्पेसेज करेक्टर आ जाएंगे, वाइट स्पेसेज करेक्टर, जो अपन को एक्चुअल में इफेक्ट तो होता है दिखते नहीं है। फिर एक पांचवा है ना, एक और हो गया ट्राइग्राफ सिक्वेंस करेक्टर्स, तो डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन अल्फ़ाबेट कहेंगे, सी लैंग्वेज में ये करेक्टर सेट कहेंगे। तो अल्फ़ाबेट सब जानते हो, ए से जेड, स्मॉल ए से जेड, तो कैपिटल को अपर केस, स्मॉल को लोअर केस। डिजिट आप सबको आता है 0 से 9, नंबर सिस्टम्स में भी अपन डिजिट्स पढ़ चुके, डेसिमल में जो डिजिट यूज करते हैं 10 डिजिट्स होते हैं टोटल, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 9। वाइट स्पेसेज में जैसे स्पेस है ना, आपका एंटर की है ना, एक हो गया आपका नल करेक्टर्स, टेब की, ये वाइट स्पेसेज में आ जाते हैं। सिंबल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस, माइनस, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, इस तरह के पूरे सिंबल्स आ गए। फिर एक ट्राइग्राफ सीक्वेंस करेक्टर और होता है, जिसको भाई अभी अपन यहाँ पे अभी इस टाइम नहीं पढ़ेंगे। पाँच होते हैं करेक्टर सेट में। तो ये इंग्लिश अपन यहाँ ए बी सी डी सीख ही है, ए बी सी डी है। अब ए बी सी डी सीख गए तो फिर वर्ड्स सीखते हैं अपन। तो यहाँ पे तो जैसे ग्रामेटिकल वर्ड हो गए है ना, और एक जनरल वोकेबुलरी हो गई, दो तरह के वर्ड हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे आपके सी टोकन्स हो गए, यहाँ पे तो अपन दो तरह के वर्ड पढ़ेंगे, यहाँ टोकन्स पढ़ेंगे, यहाँ टोकन्स बनेंगे। अब तुम इन करेक्टर सेट के कॉम्बिनेशन से अलग अलग वर्ड बनाओगे। जैसे एक वर्ड बनाया मैंने इंटीजर है ना, एक वर्ड बना दिया मान लो फ्लोट, एक वर्ड बना दिया मैंने फोर, तो एक तो इस तरह के वर्ड हो गए। एक वर्ड बना दिया जैसे सम, एक वर्ड बना दिया जैसे ए वन है ना, ए टू, ऐसे मान लो टोटल है ना, या एन एम, नेम बना दिया एन एम, तो एक ये वर्ड हो गए है ना। एक इस तरह के जैसे कोई सिंबल्स ले लिए, प्लस, माइनस, स्टार है ना, ग्रेटर देन, इस तरह के ये सिंबल्स ले लिए। फिर अपन ने एक मान लो कि ऐसे डबल कोट्स में ले लिया कोई डेटा, जैसे जयपुर ले लिया है ना, और फिर अपन ने मान लो सिंगल कोट्स में ले लिया ऐसे, और ऐसे मान लो अपन ने सिंबल्स ले लिए, पेरेंथिसिस ले लिया, सेमीकोलन ले लिया, हेज का सिंबल्स ले लिया, कोलोन ले लिया, तो एक ये हो गया आपके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक डेटा, डायरेक्ट मैंने कोई डेटा ले लिया जैसे 40 ले लिया, 60 ले लिया, 0 ले लिया, 4.5 ले लिया, एक ये हो गया आपका डेटा। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी हो गई। ये टर्मिनोलॉजी में ये तो आपका कीवर्ड हो गया, ये तो हो गया आपका कीवर्ड है ना, ये तो हो गया आपका कीवर्ड। ये आइडेंटिफायर हो गए, यूजर के शब्द हो गए, ये कंप्यूटर के शब्द हो गए, ये आपके ऑपरेटर हो गए, ऑपरेटर। ये आपका स्ट्रिंग डेटा हो गया, करेक्टर टाइप का डेटा स्ट्रिंग हो गया ये। ये आपका कॉन्स्टेंट डेटा हो गया, कॉन्स्टेंट है ना। ये आपके पंक्चुएशंस हो गए, पंक्चुएशन। ये आइडेंटिफायर हो गए। तो ये अलग अलग कैटेगरी के वर्ड बन गए आइडेंटिफायर। डीपली अपन वन बाय वन लेंगे, जब सी लैंग्वेज को नेक्स्ट क्लास जब होगी तो अपन इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो करेक्टर सेट से क्या बना? टोकन्स। टोकन्स क्या है? सी के वर्ड। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से क्या बना? वर्ड्स। वर्ड्स कितने तरह के हो गए? ग्रामेटिकल वर्ड, ग्रामर के वर्ड, और जनरल वोकेबुलरी। ग्रामर वोकेबुलरी से क्या बनता है? फिर सेंटेंस बनेगा। तो ये बेस है,
कि ये बनाना अपन को आएगा, तो ये आ गया तो फिर स्टेटमेंट बनाना आ गया, स्टेटमेंट बनाना आ गया तो कोडिंग लिखना आ गया, तो अपन कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे, तो इन्हीं के थ्रू होगा, कीवर्ड के थ्रू होगा पूरा काम, तो अपन को ये आना चाहिए। तो इधर अपन है ना वर्ड्स कह दिया, यहाँ पे टोकन्स कह दिया। फिर अपन आगे देखें, थोड़ा सा मिटा देता हूँ ये। अब अपना है ना कि टोकन्स आ गया, सपोज तुमको ना 6 प्रकार के टोकन्स होते हैं, टोटल 6 का कैटेगरी है टोकन्स की। अब टोकन्स से क्या बेनिफिट होगा, अब टोकन से अपन है ना जैसे यहाँ तो अपन है ना सेंटेंस बोल देते हैं, यहाँ अपन है ना स्टेटमेंट कर देंगे, स्टेटमेंट। अब जैसे मान लो मैंने कोई स्टेटमेंट लिख दिया कि जैसे f इक्वल 1.8 मल्टीप्लाई सी प्लस 32 है ना, एक ये लिख दिया। मान लो मैंने कोई ऐसे लिख दिया इसके नफ ना परसेंट डी है ना, ये ए लिख दिया है ना। फिर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ऐसे लिख दिया। अब तुम कहोगे ये क्या लिख दिया। अब ये जो मैंने है ना कम्बाइंड करके सी टोकन्स को कम्बाइंड करके स्टेटमेंट बना दिया। अब ये क्या है, एक फॉर्मूला है 1.8 मल्टीप्लाई सी प्लस 32, इसकी जो वैल्यू है वो एफ़ में असाइन करेगा। तो ये इक्वल एक ऑपरेटर हो गया, एफ़ क्या है एक वेरिएबल हो गया, 1.8 क्या है एक कांस्टेंट डेटा हो गया, स्टार और प्लस क्या है ये ऑपरेटर हो गए। तो अपना स्टेटमेंट किससे बना, एक्स इससे टोकन से। फिर अपन देखेंगे स्कैनफ क्या है, एक फंक्शंस है, परसेंट डी क्या है एक कंट्रोल करेक्टर है, फॉर्मेट करेक्टर है, ए क्या है एक वेरिएबल है, एंड क्या है एक मेमोरी एड्रेस को ये रेफर करेगा, सेमीकोलन क्या है एक पंक्चुएशन है। तो इन सब को मिला के टोकन्स को मिला के स्टेटमेंट बना दिए। तो ये तो आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, अर्थमेटिक स्टेटमेंट है ये वाला, और ये पूरा है ना असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगा, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगा। और इसको बोलेंगे इनपुट स्टेटमेंट कहेंगे, इनपुट। इसको बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट कहेंगे, कंडीशनल। तो डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट हो गए। तो इंग्लिश में यहाँ सेंटेंस बोल देते हैं, यहाँ सी लैंग्वेज में सेंटेंस को रिप्लेस करके स्टेटमेंट कह दो, इंस्ट्रक्शंस कह दो, तो इंस्ट्रक्शंस कह दो या स्टेटमेंट कह दो। फिर जैसे इंग्लिश में भी इंट्रोगेटिव है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे कि ऐसे यहाँ पे भी स्टेटमेंट की वेराइटी होगी। इनपुट स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, लॉजिकल स्टेटमेंट है, तो डिफरेंट टाइप की एक्सप्रेशन बन जाएंगे। फिर स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से अपन फंक्शंस बना देंगे। फिर आपका ये है ना स्टेटमेंट हो गया पूरा, फिर अपन है ना फंक्शंस बना देंगे। अब फंक्शंस कैसे बनाओगे, अब यहाँ पैराग्राफ है तो यहाँ अपन फंक्शंस नाम दे देते हैं, फंक्शंस। अब फंक्शंस कैसे बनाते हैं, मान लो मैंने एबीसी फंक्शन बनाया है, ऐसे एक कोड का नाम दे दिया एबीसी है ना, एबीसी यहाँ ब्रैकेट को फॉलो करते हैं, यहाँ पूरा एक कोड का एक है ना पूरा पोर्शन लिख दिया, ये ब्लॉक हो गया, एक स्पेसिफिक टास्क करेगा, तो ये आपका ये है ना ये फंक्शंस कहलाएगा, ये एक मॉड्यूल हो गया। यहाँ पे अपन ने इंग्लिश में पैराग्राफ समझ जाते हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ फंक्शंस कितने भी हो सकते हैं। प्रोग्राम को अपन जब लार्ज प्रोग्राम होता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज करते हैं, और ईच है ना पीस को या ईच पोर्शन को, ईच सेगमेंट को सेपरेट लिख देते हैं, और उसका एक नाम दे के पूरा प्रॉपर टाइटलिंग कर देते हैं, तो वो एक फंक्शंस हो जाता है। तो फंक्शंस के कलेक्शन से प्रोग्राम बनेगा। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ हो गया या फंक्शंस हो गया, प्रोसीजर हो गया या कोई मॉड्यूल्स कह दो, तो कोई भी फंक्शंस प्रोसीजर मॉड्यूल बनेगा तो नाम देना होगा, तो ये पैराग्राफ के सिमिलर हो जाएगा। फिर पैराग्राफ आ गया अपन को, फिर अपन को लेसन्स बनाएंगे, तो लेसन्स है ना ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो प्रोग्राम जो होगा ये कलेक्शन हो जाएगा, ये है ना कलेक्शन हो जाएगा किसका, फंक्शंस का।
ये फंक्शंस का कलेक्शन हो जाएगा है ना, एंड फंक्शंस कह दो, और यहाँ पे सी टोकन्स आ जाएंगे इसमें, और कुछ प्री प्रोसेसर आ सकते हैं। तो सी टोकन्स से स्टेटमेंट बनेंगे और फंक्शंस भी यहाँ पे बीच बीच में अपन यूज कर लेंगे, तो फंक्शंस का पूरा कलेक्शन प्रोग्राम हो जाएगा। तो फंक्शंस सेट ऑफ स्टेटमेंट होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट प्रोग्राम्स कह सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को छोटे छोटे पोर्शन में लिखेंगे तो फंक्शंस बना दो, फिर फंक्शंस प्रोग्राम से पूरा लिंक हो जाएगा फंक्शंस का। फिर पूरा अगर प्रोग्राम आ गया तो प्रोग्राम का कलेक्शन, ये आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ये सॉफ्टवेयर कहलाएगा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको माइंड में फिट कर लोगे कि इंग्लिश को सीखने का लर्निंग प्रोसेस क्या था, सी लैंग्वेज को कैसे सीखेंगे, इंग्लिश की स्टार्टिंग आप कैसे करते हो, सी लैंग्वेज की स्टार्टिंग कैसे करते हो, तो ये कंपैरिजन अपन ने दोनों लैंग्वेज में देख लिया। इसको देखने के बाद आपकी स्टार्टिंग है ना इसी वे में करेंगे। सबसे पहले करेक्टर सेट से पढ़ेंगे, करेक्टर सेट से 6 कैटेगरी टोकन्स की बनाऊंगा, टोकन्स को फिर 1 by 1 लेंगे, ऑपरेटर को सेपरेट करेंगे, इनपुट आउटपुट को कॉन्स्टेंट को मैं अलग करूंगा, आइडेंटिफायर को अलग बताऊंगा, कीवर्ड को अलग बताऊंगा। सी टोकन्स आएगा तो फिर अपन स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस लिखना सीखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखना आएगा तो फंक्शंस बनाना सीखेंगे, फंक्शंस बनाना आएगा तो पूरा प्रोग्राम का कोड लिखना सीखोगे, प्रोग्राम आएगा तो सॉफ्टवेयर बनाना सीखोगे। तो इसको फिक्स रख लो माइंड में कि ये लर्निंग प्रोसेस इंग्लिश का और सी लैंग्वेज का कंपेरिजन अपन ने देख चुके। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें, किसी दूसरे दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो, बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर सकते हो, जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाए है ना। तो फिर आप रेगुलर 1 by 1 डेली थोड़ा कोशिश करो, डेली वीडियो देखो, पूरे वीडियो को वॉच करो, नहीं भी आए तो आप कमेंट्स लिख सकते हो और कमेंट्स के थ्रू आपस में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।